अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं इम्तियाज़ हुसैन। अच्छा जी, मैंने एक वीडियो बनाई थी मक्खियों को ख़त्म करने वाली दवाई पे, तो वो काफ़ी सारे लोग जो है कंफ्यूज हो गए थे, उनको ये दवाई मिल नहीं रही थी। तो आज दवाई में जो केमिकल इस्तेमाल हुआ है मैं आपको वो बताऊंगा, वो आप जाके दुकानदार को दिखा के तो उसके साथ वाली दवाई लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुकम्मल तरीका आपको दवाई बनाने का बता देता हूँ। अगर आप महंगी दवाई परचेज़ कर रहे हैं तो ये सस्ता तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये इसका केमिकल नेम है, और किसी भी ब्रांड की इस जो है केमिकल, इसमें आप दवाई ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, और हर जगह से इस तरह की दवाई जो है वो आपको मिल जाएगी। ब्रांड नेम या कोई भी नाम हो, लेकिन आपने उसके अंदर जो केमिकल इस्तेमाल हुआ है इसको आपने दुकानदार को, जो स्प्रे वाली दुकान है, उसको दिखा के ले सकते हैं। ये मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये इसका केमिकल नेम है। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रख लें। आगे मज़ीद मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कि इसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, कितनी रेशो में, और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आपने चीनी लेनी है, 3 किलो से लेकर 5 किलो तक चीनी लें, और इस दवाई को आपने चीनी में मिक्स करना है। तो ये दवाई का टोटल वज़न जो है वो 250 ग्राम है। तो 1 किलो चीनी में हमने 50 ग्राम जो है वो ये दवाई मिक्स करनी है। इससे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। तो एहतियात आपने ये करनी है कि आपने ग्लव पहनने हैं, ग्लव पहन के इसको मिक्स करना है, और उसके बाद आपने एक तोड़ा लगा देना है जहाँ पे मक्खियाँ ज़्यादा बैठती हैं, उसके ऊपर हल्का हल्का पानी का छिड़काव करना है और ऊपर ये दवाई डाल देनी है। मज़ीद मैं डाल के तो आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने ये दवाई इस तरह जो है वो डाल लेनी है, और मैं तकरीबन 200 ग्राम इसमें डालूँगा, और बाकी जो है वो हम अपने पास रख लेंगे। और इस तरीके से आपने ना प्रॉपर इसको मिक्स करना है। ये अभी थोड़ी सी हम बचा लेंगे क्योंकि चीनी हमारे पास कम है, 3 किलो है, अदरवाइज़ 5 किलो में भी हम इसको मिक्स कर सकते हैं बेहतरीन नतीज के लिए ना। तो ये कुछ दवाई हमने महफूज कर ली है, बाकी में हम जो है वो मिक्स करते हैं। तो आप ना वीडियो कंप्लीट देखें, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को फॉलो कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और डेयरी फार्म के रिलेटेड, वैक्सीनेशन के रिलेटेड, जानवरों की हेल्थ, खुराक और जानवरों की नस्लों की पहचान के हवाले से मैं काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूं, और डेयरी फार्म को मुनाफा बख्श बनाने के लिए। तो इस मेरे पेज को आप फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। ये देखें, इस तरीके से आपने प्रॉपर जो ये दवाई है इसको चीनी के साथ मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको ये तरीकाकार बताता हूँ कि तोड़े पे आपने किस तरह लगा के और इसको इस्तेमाल करना है। ये इसके प्रॉपर मिक्स करने का तरीका है। अगर कोई रोड़ी वगैरह आ रही है तो उसको आपने तोड़ देना है, और प्रॉपर चीनी के साथ आप मिक्स करें दवाई को। आखिर में मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि आपने तोड़े पे लगानी किस तरह है। ये देखें जी, ये तोड़े को आपने रख लेना, और उसके ऊपर कोई वज़न रख लेना ताकि हवा से वो इधर उधर ना जाए, और हल्का सा पानी का जो छिड़काव है वो आपने तोड़े पे कर देना। उसके बाद आपने इस तरह हल्की हल्की जो है चीनी वाली दवाई वो फेंक देनी है। इतनी कोई लंबा चौड़ा तरीका कार इसका नहीं है। तो अभी आप देखेंगे, ये देखें, अभी से मक्खियां जो है वो मरना शुरू हो गई हैं, और कुछ ये जो करीब करीब आ रही हैं, ये देखें।
असल में मक्खियाँ जो है ना वो बीमारी को ट्रांसपोर्ट करने का ज़रिया बनती हैं, बीमारियों को ट्रांसपोर्ट करती हैं, मसलन एक जानवर से दूसरे जानवर में बीमारी को जो है मुंतकिल करती हैं। इस वजह से हमारी कोशिश होती है कि मक्खियाँ फार्म पे ना हो। ये देखें, ये विद इन 1 मिनट या 30 सेकेंड मक्खियाँ जो है वो मरना शुरू हो गई हैं। तो इसी तरह आप देखेंगे ये मक्खियाँ, ये कुदरती ना मिठास की वजह से दूर दूर से मक्खियाँ इस तोड़े पे आ जाएंगी। तो 10-10, 20-20 फुट के फासले पे आपने 3-4 तोड़े जो है शेड में लगा देने हैं। ये देखें, ये देखें मक्खियाँ जो हैं वो इकट्ठी होनी शुरू हो गई हैं। तो एंड में आप देखिएगा काफ़ी सारी मक्खियाँ जो है वो मर जाएंगी। और अगर आप ये लगातार 8-10 दिन करते रहेंगे तो आपके फार्म से मक्खियाँ जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। ये देखें आप कितने मज़े से चीनी खा रही है, लेकिन इसको पता नहीं कि चीनी के ऊपर दवाई लगी हुई है। अच्छा जी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें।